हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड में। आज हम सोशियोलॉजी के अंतर्गत इरविंग गॉफमैन के बारे में पढ़ेंगे। और ये इरविंग गॉफमैन जो है नेट में भी है सिलेबस में, और UPSC में भी है सिलेबस में, और UPPCS के द्वारा जो लेक्चरर डिग्री कॉलेज का है उसके लिए भी है नेट ये कोर्स में। तो इरविंग गॉफमैन जो हैं फेमस हैं अपने सिद्धांत ड्रामेटर्जी और इंटरैक्शन, इन्होंने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पे मुख्यतः जो है इनका काम है, और इन्होंने जो दिया है अभिनय कला और अंतःक्रिया व्यवस्था के बारे में। ये दो ही चीज़ें हैं जो इनके सिद्धांत में हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इरविंग गॉफमैन का ड्रामेटर्जी या अभिनय कला। तो इरविंग गॉफमैन का जन्म हुआ था अमेरिका में 1922 में, और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन स्नातक परीक्षा टोरंटो से 1945 में उत्तीर्ण की। उसके पश्चात इन्होंने पीजी और डॉक्टरेट किया शिकागो विश्वविद्यालय से, और डॉक्टरेट के बाद ये 1969 तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अपने गुरु हर्बर्ट ब्लूमर के पास आ गए और वहीं अध्यापन कार्य किया। इसके बाद 1969 तक किया, इसके बाद वो चले गए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, जहाँ पे वो मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने, मतलब एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के प्रोफेसर बने। कौन सी यूनिवर्सिटी? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। तो गॉफमैन ने जो अपना प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत के क्षेत्र में उनका काम है, जो इनका ये है ड्रामेटर्जी अभिनय कला और अंतःक्रिया व्यवस्था, ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के अंतर्गत आएगा। और उनका जो संपूर्ण संदर्भ उनकी पुस्तक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में उनका पूरा सारांश है ये। तो जैसा इसके टॉपिक से ही पता लग रहा है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। तो आगे देखते हैं, गॉफमैन जो है वृहद और व्यापक सामाजिक संरचनाओं को नहीं देखते हैं, है ना। वृहद और व्यापक मतलब माइक्रो सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, माइक्रो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। उन्होंने छोटी छोटी इकाइयों में संश्लेषण लाने का प्रयत्न किया, और अंतःक्रिया को जो उनके छोटी छोटी जो इकाइयां थी, मतलब उन्होंने अंतःक्रिया के बारे में पूरा अध्ययन किया है। और जैसे कहा जाता है, शायद उन्हें जो है भवन, जो भवन होता है उसका गुंबद देखने लायक होता है, हमेशा सुंदर होता है, वो उनको नहीं भाते थे। वो क्या थे? वो तो सीधे ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे। तो समाज का निर्माण जो छोटे छोटे अणु या कणुओं से बना है, उन्हीं अणुकणुओं की जुदा और बिखरी हुई इकाइयों को एक श्रृंखला में बांधने का काम जो है गॉफमैन का है। जो छोटी छोटी इकाइयों का संश्लेषण करने का प्रयत्न किया उन्होंने, व्यापक और वृहद सामाजिक संरचनाओं को नहीं देखा, मतलब उन्होंने भवन के गुम्बद को नहीं देखा, उन्होंने उसकी छोटी छोटी संरचनाओं को, समाज का निर्माण छोटे छोटे अणुकणुओं से हुआ है। तो कहा है कि जो इन अणुकणुओं की जुदा हो और बिखरी इकाइयाँ हैं उनको उन्होंने बांधने का प्रयास किया है। तो अंतःक्रिया ही गॉफमैन के अध्ययन की विषय सामग्री थी। सार रूप में गॉफमैन के कृतित्व के दो रूप हैं, मतलब जो उनकी बुक्स हैं उसमें मिलनी जो है दो रूप हैं, कौन कौन से, उन्हीं के अंतर्गत इनके सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे। नंबर एक, अभिनव कला संबंधी विचार, और दूसरा है अंतःक्रिया क्रम, है ना, ड्रामेटर्जिकल आइडियाज, है ना, अभिनव कला मतलब अभिनय, और दूसरा अंतःक्रिया क्रम इंटरैक्शन ऑर्डर। तो मतलब उसी अभिनव क्रिया को वो दिखाएंगे पूरा अंतःक्रिया क्रम में कि कैसे होता है, मतलब हम अपने दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उसको भी उन्होंने कहा कि ये भी एक रंगमंच है, अभिनय है। और उसको उन्होंने जो रियल में हम लोग जिसको अभिनय कहते हैं, जो मंच पे किया जाता है, जैसे नौटंकी, तमाशा, रामायण वगैरह का जो मंचन किया जाता है, उसको
रियल लाइफ से जोड़ने का उन्होंने पूरा इसमें प्रयत्न किया है, यही है इनका पूरा आइडिया। तो आगे देखते हैं, पहली हेडिंग के अंतर्गत अभिनव कला और दैनिक जीवन। तो उसमें जैसे अभिनव कला और दैनिक जीवन, जैसे हमारे समाज में ये प्रचलित है तमाशा, नौटंकी और रामलीला। तो जो अभिनेता होता है वो दूसरों की भूमिका स्वयं अपनाता है ना। मान लो जो नौटंकी कर रहा है, जिसमें जो कर रहा है रोल, उसमें जिसका रोल कर रहा है तो उसकी पूरी छवि अपने में लाता है, उसकी जो एक निश्चित छवि होती है उसको वहाँ पे प्रेजेंट करता है। तो अभिनेता इसका मतलब हुआ कि स्व दूसरों के जूते में अपने पांव रखता है। अभिनय कला में मैं मेरा बन जाता है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को जिसमें मैं मेरा बन जाता है गॉफमैन अभिनय कला के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पे ये अभिनय कला जो गॉफमैन ने कहा उसको समझने से पहले हम जो उसके पहले हर्बर्ट ब्लूमर और मीड को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आया था स्वा मैं और मेरा, तो उस कॉन्सेप्ट को जब समझ लेंगे तभी ये समझ में आएगा। और यहाँ पे ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी पूरा सिद्धांत समझ में आएगा। तो स्वा के होते हैं दो रूप, स्वा के होते हैं दो रूप, एक मैं दूसरा मेरा या मुझे। मैं मतलब आई, ये मतलब मी, मेरा या मुझे। तो जो स्व के दो रूप हैं, जो मैं है, ये मैं जो है ये विशुद्ध रूप में होता है, मतलब ये अपना ओरिजिनल रूप में होता है और इसमें अपने मूलभूत आवेग होते हैं। और इसका इसमें ये इसका उत्तर देने का जो तरीका है वो असंगठित होता है। तो इसके इस तरीके समझ सकते हैं, मतलब जो बच्चा छोटा होता है वो जो सामाजिक नहीं होता उसमें मैं होता है, वो एकदम ओरिजिनल उसका रूप है और उसमें मूलभूत अपने फंड जो उसके बेसिक आवेग हैं वो हैं। और जो उससे कोई चीज़ पूछो तो वो उत्तर उसका असंगठित होता है, मतलब वो समाज के मूल्य और जो नॉर्म्स रिचुअल्स हैं उनको सोच विचार के उत्तर नहीं देता है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा, कोई घर में कुछ भी अनहोनी हो जाती है, सब लोग दुखी हैं, लेकिन वो क्या है, वो अपने हंस रहा है, खिलखिला रहा है, उसको लिए समाज बेमतलब है। तो ये है मैं। और मेरा या मुझे क्या है, मेरा मुझे, मैं मेरा या मुझे में कब बदलता है, जब उसकी अभिव्यक्तियाँ संगठित हो जाती हैं, जब वो समाज के मानकों, मूल्यों और भूमिकाओं को अपना बना लेता है, अपनाने लगता है, और उसका उत्तर भी जो मानक मूल्य हैं उनसे संबंधित हो जाता है। वो जब दूसरों से सीखता है तो मैं बदल जाता है मेरा में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। स्व का मैं और मेरा, मैं है बच्चे में होता है मैं, और जब वो सामाजिक हो जाता है तो वो मेरा या मुझे में बदल जाता है स्व। तो वही उन्होंने कहा है कि जो अभिनय कला में मैं मेरा बन जाता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को जिसमें मैं मेरा बन जाता है गॉफमैन अभिनय कला के रूप में देखते हैं। तो उसको गॉफमैन अभिनय कला के रूप में देखते हैं, लेकिन वो तो असल ज़िंदगी में भी होता है हमारे साथ, तो उसी को वो कोरिलेट करेंगे। तो उन्होंने अभिनय कला की दो अवधारणाएँ की दी हैं, एक है फ्रंट और एक है बैक। फ्रंट यानी कि मंच, तो फ्रंट को क्या कहते हैं, वो फ्रंट यानी मंच पर वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो मंच की साज सज्जा हैं, रोशनी की व्यवस्था, सेट का अलंकरण, दृश्य इत्यादि। मंच उन सभी वस्तुओं को प्रस्तुत करता है जो अभिनेता की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से दिखा सके। तो मंच में क्या है, फ्रंट में क्या है, फ्रंट मीन्स मंच, उस पर वो सभी वस्तुएं हैं जो साज सज्जा, रोशनी, सेट, जो सीन, ये सभी चीज़ें हैं मंच में, फ्रंट में। दूसरा है बैक। दो कॉन्सेप्ट हैं, पहले फ्रंट और बैक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बारे में समझेंगे। बैक यानी मंच के पीछे की पृष्ठभूमि। बैक की अवधारणा उस स्थान से है जो बंद है, जिसे दर्शक देख नहीं सकते। यह बैक ही है जहां अभिनेता दर्शकों को प्रभावित करने के लिए हर तरह की तैयारी करता है। बैक में ही मंच पर अच्छा प्रभाव डालने की सलाह दी जाती है।
तो इसको हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे फ्रंट है, फ्रंट में आप हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए रामलीला हो रही है एक मंच पे, तो फ्रंट को कैसे समझ सकते हैं, तो समझ सकते हैं जैसे राम सीता लक्ष्मण हनुमान और रावण मंच पर आकर जो है क्या करते हैं, पूरी गंभीरता से किरदार निभाते हैं, है ना। वे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, और उनकी एक निश्चित छवि है, राम की अलग है, लक्ष्मण की अलग है, हनुमान जी की अलग है, रावण की अलग है, तो उसी छवि को अभिनेता मंच पर प्रस्तुत करते हैं। तो ये हुआ सब फ्रंट। बैक क्या है? अब बैक इसी को आगे समझते हैं। बैक में क्या है, मंच के पीछे क्या है, राम और लक्ष्मण आपस में क्या कर रहे हैं मंच पे, उन्होंने अभिनय कर लिया और बाद में चले गए पीछे, तो बाद में आपस में वो मान लीजिए बीड़ी सुलगा रहे हैं और ठहाके मार कर हंसते हैं। रावण और हनुमान भी आ जाते हैं उसमें, सम्मिलित हो जाते हैं उनके पीछे। तो जो मंच के पीछे ये व्यवहार है वो अभिनीत व्यवहार से भिन्न है कि नहीं है, तो ये बैक है। और वहीं पे वो अपनी तैयारी भी करते हैं, फ्रंट में जो अभिनीत करना है उसकी तैयारी और सलाह ये सब उनको वहाँ दिया जाता है। तो ये बैक और फ्रंट आप समझ गए। तो आगे समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट को कि उन्होंने उसको रियल लाइफ से कैसे जोड़ा। गॉफमैन के अनुसार क्या हम सब अभिनेता नहीं हैं? गॉफमैन कह रहे हैं क्या हम सब अभिनेता नहीं हैं? दिन प्रतिदिन के कार्यों में हम कहीं अध्यापक, कहीं शिष्य, कहीं ग्राहक हैं, कहीं विक्रेता हैं, और हमारा व्यवहार दर्शकों की अपेक्षाओं के अनुरूप होता है, और मंच के पीछे हम स्व की स्थिति में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम मेरा से मैं बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मैं मेरा आया है, जो हम मेरा होता है वो मैं बन जाते हैं। मतलब जो मंच के पीछे हम स्व की स्थिति यानी कि मैं की कंडीशन में आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं, और जब सामने हम जिस रोल में रहते हैं, स्कूल में हैं, अध्यापक हैं तो अध्यापक की तरह व्यवहार करेंगे, शिष्य हैं तो शिष्य की तरह व्यवहार करेंगे। तो हम समझ लीजिए ये सब क्या है, तो हमारी रियल लाइफ की घटनाएं हैं, लेकिन एक तरीके से अभिनय ही तो है। हम अध्यापक हैं तो वहाँ पर घर की तरह तो व्यवहार नहीं कर सकते, तो भी एक अभिनय है। जब शिष्य हैं तो शिष्य की तरह क्लास में डिसिप्लिन होकर रहना है, स्कूल में अच्छे से रहना है, तो ये सब एक अभिनय ही है। और जब हम मंच के पीछे होते हैं तो स्व की स्थिति में आ जाते हैं, दूसरे शब्दों में हम मेरा से मैं बन जाता है। तो ये यही चीज़ है, यही रियल लाइफ से उन्होंने इसको जोड़ा है। जब मैं मेरा बनता है, जो मैं है, जो ओरिजिनल रूप था मेरा बनता है, जब वो समाजीकरण हो जाता है तो उसमें प्रतीकों का भरपूर प्रयोग होता है। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, प्रतीक क्या हैं, जो सब पूरे समाज में सब कुछ फैले हैं, जिनसे हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, भाषा है, वेशभूषा है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी देख के हम समझ जाते हैं ये पुलिस है, ये डॉक्टर है, तो ये एक प्रतीक ही है। तो प्रतीकों का भरपूर प्रयोग होता है मेरा मेरा होने पे, जब समाजीकरण हो जाता है, उसके पहले नहीं समझता, बच्चा छोटा नहीं समझता ये पुलिस है कि डॉक्टर है, लेकिन जब समाजीकरण हो जाता है वो प्रतीक हमारे मेरा में जब हम बदल जाते हैं तो प्रतीकों का भरपूर प्रयोग होता है। भाषा, शरीर की भूमिकाएं, वेशभूषा, साज सज्जा और स्वयं किरदार की भूमिका भी प्रतीक होती है। यह वह प्रतीक है जो अभिनेता और दर्शक दोनों को एक दूसरे के निकट ले आता है। तो ये था उनका पूरा अभिनय कला और दैनिक जीवन। मतलब जो हम ड्रामा कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, वो दैनिक जीवन से कैसे, दैनिक जीवन में भी यही हम कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने कोरिलेट किया। और उसकी जो ये अब दिखाएंगे कि इंटरेक्शन ऑर्डर क्या है, मतलब ये जो क्रिया है किस तरीके से होती है, कैसे होती है, जो ये पूरा पहले इन्होंने दिखाया अभिनय दैनिक जीवन में कैसे होता है, तो उसके कुछ सीरियल है। तो इंटरेक्शन ऑर्डर, तो इंटरेक्शन ऑर्डर ये जो है अपना पेश करने जा रहे थे 1982 में, जब उनकी मृत्यु हुई, कैंसर से उनकी मृत्यु हुई गॉफमैन की, तो पेश करने जा रहे थे तो पेश नहीं कर पाए, तो वही इनका जो फाइनल पेपर था वही उसमें यही सब था, तो उसको पब्लिश किया गया बाद में। तो गॉफमैन ने अपने सिद्धांत के संपूर्ण सार को अंतःक्रिया के क्रम में रखा है। तो देखिए क्या क्या है, सबसे नंबर वन पे उन्होंने रखा है पर्शन। तो पर्शन में एक आदमी या दो आदमी जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, उसके अलावा उन्होंने समूह, भीड़ और कतार को भी पर्शन में रखा है।
नंबर टू पे उन्होंने रखा है संपर्क, संपर्क यानी कांटेक्ट। तो कांटेक्ट तो एक प्रत्यक्ष संपर्क होता ही होता है। दूसरा उन्होंने टेलीफोन, लेख, पत्र, सिनेमा आदि को भी संपर्क में सम्मिलित किया है। थर्ड पॉइंट है मुठभेड़, इनकाउंटर। तो इनकाउंटर मतलब मिलन, आपस में मिलेंगे तभी तो अंतःक्रिया होगी। या मौखिक संचार, है ना, मुँह से आपस में बातचीत करना मौखिक संचार हो, उसको भी इनकाउंटर में उन्होंने सम्मिलित किया। और जब इनकाउंटर होगा तभी तो हम, जब हम अकेले हैं आराम से हैं तो हम अपने स्व में हैं, मैं में हैं। और जब कोई हमसे मिलता है सामने तो हम अभिनय की भूमिका में आ जाते हैं। तो अब होगा मंच अभिनय जब इनकाउंटर होगा। तो नंबर चार मंच अभिनय, प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस, यानी कि भूमिका निष्पादन। जिसके सामने हम हैं, है ना, तो उसके सामने हम किस भूमिका में हैं तो उस भूमिका में हम आ जाएंगे। या जैसे उन्होंने मंच अभिनय में व्याख्यान, प्रतियोगिता, औपचारिक मिलन, नृत्य, संगीत प्रस्तुता आदि, इसको भी रखा है। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट बनाया उन्होंने सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान, मतलब जो सेलिब्रेटिव सोशल ओकेजन्स, जो सामाजिक ओकेजन होते हैं त्यौहार वगैरह, उनका जो है सेलिब्रेशन, सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान। सामाजिक मतलब सोशल, प्रसंग मतलब ओकेजन, अनुष्ठान मतलब सेलिब्रेशन। तो जैसे शादी ब्याह, जन्मदिन, तिथि त्यौहार आदि, ये सब हम लोग करते हैं। तो ये इनका जो पूरी सामाजिक क्रिया थी, ऑर्डर था, वो पांच पूरे क्रम में था। तो उसमें पहले नंबर पे व्यक्ति था, फिर उसके बाद व्यक्ति का संपर्क, फिर उसके बाद उसकी इनकाउंटर, फिर मंच अभिनय, और उसके बाद सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान। तो ये पूरी उन्होंने अपनी सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया का जो क्रम था वो दिखाया। इसी क्रम से उनका पूरा सिद्धांत चलता है जो अभिनय होता है वो। अब कुछ बुक्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंट, उनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट बुक है कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइलैंड कम्युनिटी 1953 में। दूसरी है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1959, और ये बुक इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी है एसाइलम 1961, नेक्स्ट है इनकाउंटर्स 1961, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस 1963, मतलब नाटक, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस में कैसा हमारा व्यवहार होता है, तो ये द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ इनके सिद्धांत से बिल्कुल रिलेटेड लग रही हैं, तो ये भी याद रख लीजिए। और उसके बाद अगली भी ऐसे ही है रिलेशंस इन पब्लिक 1971, स्टिग्मा 1963, नेक्स्ट है इंटरैक्शन रिचुअल्स 1967, फ्रेम एनालिसिस 1974, जेंडर एडवर्टाइजमेंट 1976, फॉर्म्स ऑफ टास्क 1981। तो काफ़ी बुक इनके सिद्धांत से रिलेटेड जैसी लग रही हैं, जैसे इनकाउंटर, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, रिलेशंस इन पब्लिक, फ्रेम एनालिसिस, इंटरेक्शन रिचुअल्स और द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।